नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के कराहल के भोटूपुरा गांव में ग्रामीणों का हंगामा। मामला कंट्रोल दुकान के बाहर ग्रामीणों का हंगामा, सेल्समैन पर लगाए 4 महीने का राशन ब्लैक करने का आरोप। कंट्रोल दुकान के सेल्समैन पर गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने के आरोप लगाकर रविवार को ग्रामीणों ने कंट्रोल के बाहर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सेल्समैन पर पिछले 4 महीने से राशन नहीं देने के आरोप लगाए हैं और मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला कराहल विकासखंड क्षेत्र के भोटूपुरा गांव की कंट्रोल दुकान का है, जहां ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा प्रदर्शन किया गया है। सेल्समैन राशन की कालाबाजारी करके उन्हें 4 महीने से राशन नहीं देने और कालाबाजारी करने के आरोप लगाए हैं। रविवार को सेल्समैन काफी टाइम बाद कंट्रोल दुकान पर पहुंचा था। उसने जैसे ही दुकान खोली वैसे ही ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा करने लगे। लोगों की मांग है कि सेल्समैन पर FIR कराई जाए और 4 महीने का राशन दिलाया जाए। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।